सीएम वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारी मालिक नहीं है और थुनाग में पंचायती राज विभाग का जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान बना है उसे बिना उद्घाटन के ही शुरू कर दिया जाएगा। यह बात सीएम वीरभद्र सिंह ने अपने मंडी दौरे के दौरान थुनाग में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। सीएम वीरभद्र सिंह का आज मंडी जिला के दूसरे दिन का प्रवास कार्यक्रम था। इस दौरान उन्हें थुनाग में पंचायती राज विभाग के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करना था, लेकिन पिछले कल केंद्र सरकार ने आदेश जारी करके इसके उद्घाटन पर रोक लगा दी थी। आज जब सीएम वीरभद्र सिंह थुनाग पहुंचे तो उन्होंने इसका उद्घाटन नहीं किया और बाकी कार्यक्रमों में ही व्यस्त रहे। जब सीएम से इस बारे में पूछा गया कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से रोका गया है तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। सीएम ने कहा कि उन्हें किसी ने नहीं रोका है, लेकिन वह विवाद में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने इस भवन का उद्घाटन नहीं किया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी मालिक नहीं है, संस्थान में राज्य सरकार का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान को बिना उद्घाटन के ही शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले सीएम वीरभद्र सिंह ने पंडो में 3rd बटालियन के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया और नए बनने वाले आवासीय परिसर की आधारशिला रखी। उपरांत इसके सीएम ने थुनाग और मार्केटिंग यार्ड और लवाथाच में कॉलेज भवन का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने चिंचैली में नए खुले एसडीएम कार्यालय का भी विधिवत शुभारंभ किया। केंद्र सरकार कोई हमारी मालिक नहीं है, हमारे पार्टनर है। अगर उसने पैसा दिया है, हमने भी पैसा लगाया है और हमने वो जमीन दी है, मतलब मैं किसी चीज़ का इशू नहीं बनाना चाहता। कंट्रोवर्सी में विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। सर, भाजपा वालों को 300% डिस्लॉट मिल जाएगी, हाय हमारा केंद्र, हाय हमारा केंद्र। मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, जो मर्जी जिसको मर्जी हो करे, मगर ये जो केंद्र है बिना उद्घाटन के चालू हो जाएगा। इस दौरान सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।